हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। वेलकम टू माय होम टेरेस गार्डनिंग चैनल। बारिश का बहुत ही अच्छा मौसम है और बहुत अच्छा लगता है, और प्लांट्स को तो पानी की अभी गरज है। इसी बारिश में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है प्लांट्स के लिए, बहुत एक रामबाण अमृत जैसा पानी रहता है। तो एक दिन जैसे बारिश नहीं होती है तो मेरे प्लांट्स पूरे सूख जाते हैं। तो चलिए, आज मैं न्यू टॉपिक में वीडियो बना रही हूँ। सबसे फेवरेट, सबसे अच्छा, डेली हमें गरज पड़ती है वो है टमाटर। टमाटर के बिना तो होता ही नहीं, और मार्केट में टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर के प्लांट्स लगाती हूँ। तो आज मैं टमाटर कैसे लगाना है, उसको कैसी मिट्टी होनी चाहिए, उसकी कैसे केयर करनी चाहिए, आज मैं पूरी जानकारी दे रही हूँ। क्योंकि मुझे इतने सालों से मैं टोमेटो के प्लांट्स लगा रही हूँ, अभी मुझे पूरा उसका हिस्ट्री याद हो गई कि कैसा मौसम होना चाहिए, कितना टेम्परेचर उसको होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं, मैंने ये गर्मी के मौसम में सैपलिंग मुझे टोमेटो के जो बीज बनाए थे उसी से मैंने ये प्लांट्स बनाए हैं। और आज देखिए, बहुत ही हेल्दी हो रहे हैं और इसका फ्लावर्स भी आ रहे हैं। और मैंने ये टब में लगाए हैं, एक्चुअली डीप में लगाना चाहिए था, तो इसी में बहुत अच्छे से भी हो रहे हैं। ज़्यादा डीप वाला कंटेनर नहीं है ये, तो फिर भी बहुत बढ़िया हो रहे हैं। तो चलिए, कैसे हमें सीड्स बनाना है, कैसे प्लांट्स लगाना है, तो डिटेल्स में मैं बताती हूँ। तो ये तो मेरा पहले का प्लांट्स है और बहुत हेल्दी हो रहा है। बीच बीच में इसको मैंने पिंचिंग भी करती गई है। देखिए, यहाँ से मैंने पिंचिंग किया तो यहाँ से दो ब्रांचेस आई हैं। ऐसे जब छोटे रहते हैं प्लांट्स, तब से ही हम पिंचिंग करते रहना है, और नीचे के जो पत्ते वगैरह सब रहता है वो खराब वाले सब निकाल देना है। हेलो फ्रेंड्स, अपने घर में ऐसे टोमेटो रहते हैं या हमारे प्लांट्स में, जैसे टोमेटो परिपक्व हो जाते सूखते हैं, तो एक्चुअली ये टोमेटो का मैंने वीडियो भी शेयर किया था। तो ये ऐसे ही एक मार्केट से मैंने टोमेटो लाया था। अभी जैसे गार्डन में टोमेटो नहीं बनते तो हमें बाय चांस तो मार्केट से लाना ही पड़ता है। तो ऐसे मैंने एक टोमेटो लिया और ऐसे ही एक वेल्ड्रेन मिट्टी बनाई थी। इसमें मैंने गोबर की खाद, अपने किचन कंपोस्ट जो रहता वही मैंने डाला था, थोड़ी सी मैंने रेत डाली थी। तो मैंने कोकोपीट वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। एक्चुअली मेरे गार्डन में ज़्यादा मैं कोकोपीट नहीं डालती हूँ, लकड़ी का जो भूसा रहता है तो वही मैं डालती हूँ। तो ये देख सकते हैं, 100% मेरे सारे प्लांट्स निकल गए हैं। इसका मैंने वीडियो भी शेयर किया था, आप ज़रूर मेरे शॉर्ट्स में इसका फुल वीडियो है। तो ये देख सकते हैं कितने बढ़िया हो रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़े बड़े होने के बाद मैं इसको अलग बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करूँगी, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है ना, ये डब्बा सैपलिंग के लिए अच्छा है। तो उसके बाद मैंने काफ़ी ऐसे मेरे यहाँ टोमेटो के प्लांट्स लगे हैं। तो ये देख सकते हैं, ये चेरी टोमेटो है। कभी कभी ज़्यादा धूप होने से ये प्लांट्स थोड़े से धूप ज़्यादा सहन नहीं हो पाती है, तो ये ऐसे पत्ते भी सूख जाते हैं, तो हमें इसे केयर करना पड़ता है। तो टमाटर के प्लांट्स के लिए तो पहले वेल्ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया प्लांट्स हो रहा है। तो ये मैंने कुछ ही दिन पहले ये प्लांट्स लगा था, मुझे कहीं मैं बाहर गई, मुझे बाहर मेन रोड में ये प्लांट्स देखा, मैंने उखाड़ के यहाँ अपने घर में ले आई। इसका भी मैंने वीडियो शेयर किया था। इतना बड़ा प्लांट्स रहते हुए मैंने टूटी फूटी अपने मग में लगा दिया। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। उसके बाद मैंने ये पहले से लगाए थे, ये छोटे छोटे ऐसे मैं प्लांट्स लगाती हूँ, गमले कम थे तो इसमें मैंने पॉलीथीन में लगा दिया, छोटा सा प्लांट्स था। तो ये देख सकते हैं, मिट्टी ज़रा अपनी अच्छी बनी, वेल्ड्रेन होगी तभी इतने सुंदर प्लांट्स बन जाते हैं। तो प्लांट्स की केयर भी करना पड़ता है, नीचे जब येलो वाले पत्ते रहते हैं ये सब हमें निकाल देना है, क्योंकि हमें एयर की बहुत ज़्यादा गरज है। और ये देख सकते हैं, और बीच बीच में जैसे हमें पिंचिंग करते रहना है। पिंचिंग करने से ये प्लांट्स घना बनेगा, उस पर ज़्यादा ब्रांच आएगी। ये देख सकते हैं, ये चेरी टोमेटो है, और जो खरपतवार रहता है ये सब निकाल देना है। वेल्ड्रेन मिट्टी में मैंने ज़्यादा तौर पे अपने घर का किचन वेस्ट, नीचे तो मेरा पूरा कार्डबोर्ड के सब कचरा ही रहता है, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट ये मैं हमेशा देती रहती हूँ। तो आज ये प्लांट्स बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं, अभी फल आना भी शुरू हो रहे हैं। ये देख सकते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स भी आ रहे हैं।
तो हमें टोमेटो के प्लांट्स के लिए ऐसे ही मिट्टी बनाना है, तभी इतने प्लांट्स हेल्दी बनेंगे। और हमेशा जब सूखे पत्ते रहते हैं और वो सब निकाल देना है। अभी मेरे प्लांट्स बहुत ही हेल्दी है, कभी कीड़ा वगैरह नहीं पड़ा। जब कीड़े हम पड़ते हैं तो छास जो रहता है, छास हम खट्टी छास का स्प्रे कर सकते हैं या मिट्टी में दे सकते हैं, क्योंकि टमाटर के प्लांट्स को ना कैल्शियम की बहुत ज़्यादा गरज रहती है। तो मेरे अभी तो मैंने बेस अच्छा बनाया, तो इतना सुंदर मेरे प्लांट्स बने हैं, हर जगह में मेरे टोमेटो के प्लांट्स लगे हैं। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मेरे टोमेटो के प्लांट्स लगे हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे मैंने बास्केट में लगाए हैं। तो आप ये ऐसे प्लांट्स ज़रूर लगाइए और टोमेटो का आनंद लीजिए, बहुत ही बढ़िया प्लांट्स बन रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करिए। जो नए आए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और अपने आसन टिप्स फॉलो करिए। मैं जो भी अपने अनुभव बताती हूँ ये खुद के अपने रहते हैं, खुद मैं बनाती हूँ प्लांट्स वगैरह वैसे, तो वैसे ही मुझे उसका अनुभव मिलता है। तो आप भी ऐसे टोमेटो के प्लांट्स लगाइए और फुल ऑर्गेनिक है, जहर मुक्त है। आज अपने को जहाँ देखो मार्केट में जो भी हम लोग सब्जियाँ खाते हैं उसमें पूरा पेस्टिसाइड केमिकल सब रहता है। तो अपने घर में थोड़ा सा साग सब्जी अभी देखिए मैंने छोटे से टब में लगाया, तो इतना अच्छा हेल्दी प्लांट्स बना है, हम कहीं भी रख सकते हैं, तो जगह की ज़्यादा गरज भी नहीं पड़ती है। तो आप थोड़ा एक एक गमले में एक एक टाइप के सब्जियां लगाइए और अपने घर में सब्जियां उगाइए, बहुत अच्छा रहता है। तो मैं तो हमेशा ही बताती रहती हूँ पेड़ लगाओ, सब्जी लगाओ, तो प्लीज़ आप भी लगाइए। और हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहता है।